बोलो गवर्नमेंट गोली रखी है यहाँ पे यहाँ पे पहले बूम तो रखने दो वीडियो रखी है यहाँ पे यहाँ बूम रेडी करने दो फिर एक मिनट तो साइड में आ जाऊँ एक सेकंड मैम यहाँ देखिए सामने देखिए मैम ओके मैम थैंक्स मैम हेलो 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 बूम रख सब लोग रख दो फिर बुलाओ ये माइक चलो ना हाँ माइक ना माइक बल लगाओ माइक लगाओ फटाफट लगाए किसी से रेडी करवाए सेंटर सेंटर सर यहां सर यहां यहां पे थैंक यू ऑल द बेस्ट एलेक्स हां श्योर आप जाओ आप भागो हां ओके क्विकली रेडी So I'm here for the special screening of Kaam Chalu Hai and mujhe pata hai ki this is based on a true story and it's a very sentimental, very obviously emotional topic for a parent to lose a child obviously bahut hi zyada dukhad ghatna hoti hai and uske upar ye film based hai to I'm definitely going to appeal to everyone to watch it I'm also going to watch it because it's releasing tonight I'm actually coming from a wedding lekin I had to come here to wish Palash all the very best kyunki wo bahut mehnati ladka hai and khud se I know from his first project to now mashallah he's doing really well so I really wish him all the best and dua karti hu ki aisi ghatna किसी भी पेरेंट के साथ ना घटे एंड सबके बच्चे सुरक्षित रहें एंड प्लीज़ ये फिल्म देखकर अवेयर हो जाइए एंड ऑफ कोर्स जितना हो सके लेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर यू नो फैसिलिटीज़ ताकि ऐसी दुर्घटनाएं और ना घटे थैंक यू सो मच ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा राजपाल सर का एक नया अवतार है जी कॉमेडी में हमने उनको देखा है बहुत अच्छे जी ये अलग किरदार है कितना पसंद कर रहे हैं अब राजपाल सर के बारे में क्या ही बोलें वो मल्टी टैलेंटेड हैं वो सब कुछ कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को ना सीमित ना नहीं करना चाहिए ऐसा है कि बहुत इजीली हम कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं ये सिर्फ सीरियस ही कर सकते हैं ये सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द ही नाच सकते हैं तो ये आई थिंक ये एक्टर एक्टर होते हैं एंड आई थिंक उनको हमें उस नज़रिए से ही देखना चाहिए स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो बींग एन एक्टर आई नो दैट इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल टू पुट यू इन अ सर्टन कैटेगरी लेकिन आई फील राजपाल जी इज़ वेरी टैलेंटेड उनको कोई आप सीमा में नहीं डाल सकते हैं और दूसरी चीज़ मेरी एक बहुत ही स्वीट दोस्त जिया इस फिल्म में भी है जिया मानिक बहुत ही पॉपुलर हैं वो टीवी पे तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि जब मैंने उनको इस ट्रेलर में देखा एंड वो एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है तो मैं तो चाहूँगी कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही हो सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म थैंक्स बहुत ज़्यादा क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल एक्टर हैं पूरे साल सब कॉमर्शियल ज़्यादा फिल्में करते हैं ज़्यादातर हमने अपने पूरे करियर में 90% सब कॉमर्शियल फिल्में ही की हैं लेकिन बोलते ना साल में दो चार चार कॉमर्शियल फिल्म और एक मनोरंजन के साथ में मीनिंगफुल फिल्म रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म जिसमें समाज की ऐसे ऐसे चीज़ों का जो है वो देखने का मिलता है जैसे पिछले साल अर्ध आई एक अलग समस्या पे थी फिर इसके बाद में जो है वो पलाश मिच्छल के साथ में काम चालू है करने का मौका मिला ये कोई फिल्म नहीं है ये एक 50 साल की ऐसी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा देश जिसमें फंक्शन बहुत होते हैं जिसमें निर्माण खूब होता है जिसमें राष्ट्रीय धार्मिक और सामाजिक जिसमें हज़ारों गड्ढे रोज़ 50 साल से होते हैं और अगले 50 साल तक गड्ढे होंगे तो सिर्फ ये फिल्म इसलिए बनाई गई कि अगर सफाई के बारे में सब जानते हैं
एक हाथ में झाड़ू ले लिया, एक हाथ में बाल्टी ले ली और पूरी देश की जनता प्रशासन सरकार हो गई, तो देश में सफाई हो गई। मैं इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ पूरे देश, दुनिया, मीडिया, कलाकारों से, जनता से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, और अपना जब तक देश है, दुनिया है, तब तक फंक्शन रहेंगे, गड्ढे खोदेंगे, बांस गड़ेंगे, बांस उखड़ेंगे, एक गड्ढे से एक गड्ढा बनाया जाएगा, दूसरा गड्ढा भरा जाएगा। बस सिर्फ प्रार्थना यह है कि झाड़ू के बाल्टी के साथ में एक फावड़ा भी रख लो और एक परात भी रख लो। अपन चौपालों का देश है, कॉर्नर का देश है, जहाँ पे बोलते हैं ना डस्टबिन रखी रहती है, अगर हम कूड़ा उसमें डाल सकते हैं तो उसी जंजीर में पड़ोस में फावड़े भी रखे रहें, और जहाँ भी अपने घर के आसपास कहीं भी, जैसे सुबह गार्डन घूमने गए, पता लगा छोटा सा गड्ढा दिख गया, बस वहीं से फावड़ा उठाया और वहीं पे उसको पाट दिया, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और मेरा एक सपना भी है कि क्योंकि बचपन मैंने भी बहुत चोट खाई गड्ढों में, और ये गड्ढे मतलब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर घर के आसपास, और उसमें गड्ढे करने में हम सब इन्वॉल्व हैं गड्ढे करने, तो हमारी सिर्फ ये प्रार्थना है कि गड्ढे करना तो ज़रूरी है, लेकिन जितना गड्ढे करना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा गड्ढे भरना ज़रूरी है। बस ये अगर हमारी जागरूकता इस फिल्म के माध्यम से आ गई, तो एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हज़ारों जानवर, हज़ारों जाने एक्सीडेंट होने से, हाथ पैर टूटने से बच जाएंगी। बस ये फिल्म का भाव ये है, एक रियलिस्टिक कहानी है कि एक आदमी 200 साल से जब 500 गड्ढे भर सकता है, तो आप सोचिए कि 7-5 लाकड़ी एक जने का बोझ हम सब लोग मिल जाए, और अपने घर के, अपनी झोपड़ी के, अपने घर के आसपास सुबह टहलने निकले, हल्का सा गड्ढा देखा, ओए फावड़ा लाना रे, और बस उसको कर दिया, ना साइकिल गिरेगी, ना मोटरसाइकिल वहाँ पे गिरेगी, ना बच्चे का पैर टूटेगा। बस इस फिल्म को जागरूकता लाने के लिए ये फिल्म दिखाना बहुत ज़रूरी थी, और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये हम सब समाज में जो लोग रहते हैं, सबके बच्चे बूढ़े नौजवानों की स्टोरी है, और सब इसी समस्या को जानते हैं। आप ये पूरी फिल्म आपको एक चीज़ के लिए ज़रूर अवेयर करवाएगी कि देखिए गड्ढे रोक नहीं सकते, गड्ढे पूरी दुनिया में होने ही होने हैं, कुछ निर्माण होगा गड्ढे, एक जगह से फावड़ा चलेगा दूसरी जगह भरा जाएगा। फिल्म गड्ढे होने से कोई समस्या नहीं, गड्ढे हो जाने के बाद बांस उखड़ गया वो गड्ढा भरा, उसको प्रॉपर गड्ढा भरा, और उसके साथ में जो गड्ढा दिखा उसको प्रॉपर भरा। गड्ढा भरना के प्रति एक भाव अगर हमारी इस फिल्म के माध्यम से आ गया, तो हमारा भी सपना है कि मतलब इतना देश सज रहा है, गड्ढा मुक्त देश हो जाए तो क्या कहने, उसके लिए हम सबको अपने अपने घर के आसपास के गड्ढे सिर्फ भरने में मदद करनी। अभी तक जब से शूटिंग शुरू की है, जब से यहाँ तक जितने लोगों ने इस फिल्म से एसोसिएट हुए हैं, आई थिंक 20 साल में जितनी मुझे किसी फिल्म की तारीफ मिली होगी, तो 20 साल में जो तारीफ मिली उतनी तारीफ मुझे इसमें मिल रही है, और मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम कॉमर्शियल लोग हैं, ज़िंदगी भर हंसाने गुदगुदाने का काम करते रहेंगे, लेकिन बोलते हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं वहीं से खुशी के आंसू निकलते हैं, वहीं से गम के आंसू निकलते हैं, वही सेम पर्दा है, वहीं से खुशी दिखाई देती है, वहीं से ठहाके दिखाई देते हैं, और वहीं से आंसू दिखाई देते हैं। तो आंसू और हंसी दोनों में मीनिंग समझने के लिए आओ सब मिलकर गड्ढे भरें। क्या सर हम ये उम्मीद करें कि आप जब भी अब कहीं गुजरेंगे अपनी गाड़ी से और आपको गड्ढा दिखेगा तो आपको लगेगा डेंजर है तो आप उसे पाट देंगे? मेरी तो इच्छा है कि एक गाड़ी ना रुके, 10 गाड़ियां रुके, हर गाड़ी की डिग्गी में एक एक फावड़ा पड़ा हुआ हो। मेरी सच में इच्छा, मैं कल से यही अपील कर रहा हूँ कि अपने चबूतरे पे फावड़ा रखो, परात रखो, और अपनी गाड़ी में भी डाल के रखो, ताकि 10 गाड़ियों रुका और तुरंत उसको पाट लिया और उसको बराबर करके आगे बढ़ लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, प्लीज़ फिल्म आपकी। अरे कहाँ है, हाँ हाँ भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं।
आइए सर, हमारे डायरेक्टर साहब आइए सर। दे दिया मैंने सोलो दे दिया। सर एक बार इनका इंट्रो दे दीजिए। सर ये इंट्रो कर लेते चलिए तो जी जी कैलाश भाई आ जाओ जी। दादा कुछ कहना चाहेंगे? आपने सर आपने जो मशाल जलाई थी अकेले, अब वो फिल्मों के द्वारा हर एक नागरिक देख रहा है, हर नागरिक तक पहुंच रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गड्ढों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो गड्ढा पाटने की मुहिम है वो पूरे सब लोगों के पास पहुंच रही है। कोई अपना मराठी बुलाओ, मंदर इधर आओ। दादा दो लाइन मराठी में कि जो गड्ढे पाटने का काम में आप हो, आपको कैसा लगता है? मामा ते विचारत आहेत की तुमचा प्रवास कसा झाला आणि आता तुमचं काय मत आहे विषयी, और ये काम करते हुए कैसा लग रहा है? काम करताना कसं वाटलं तुमच्यावर जो पिक्चर बनवायचं? पिक्चर बनवायचं माझं काम थोडं जोरात बोला, जवळ आहे, जरा जवळ आहे, तर आपल्या आधी साधना जाऊ। हे मी असं माझ्या हे माझ्याच हे माझ्या मुलीला असं झालं, मी रडत होतो, पण ते असं होऊ नये, माझ्याबद्दल जे घडलं ते दुसऱ्याच्या मुलीशी होऊ नये, याबद्दल मी सदैव असला आजारपण दूर करत आलो, असले गड्ढे कायम मी झाकत आलो आहे, आणि असं कोणाच्या वाटणीत होऊ नये ही माझी इच्छा आहे, आणि अशी साथ सर्वांनी द्यावी हे माझं मन म्हणतं आहे। हे पर सर्वांना मी माझ्या अंतकरणापासून मी ही गोष्ट करण्यासाठी सांगतो। थँक्यू। मैं अभी भी जस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग खत्म हुई तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं पहले तो शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये फिल्म बनानी पड़ी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी को ये फिल्म ये टॉपिक उठाना पड़े। हर दिन 10 लोगों की मौत होती है खड्डों की वजह से, ये रियल है, ये ट्रूथ है, एंड हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया हैपन हुआ है, योगा हुआ है इंडिया में, और स्वच्छ भारत हुआ है, वैसे ही पॉटहोल फ्री इंडिया भी हो, गड्ढा मुक्त भारत हो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। एंड जब मैं मनोज पाटिल जी से सांगली में मिला था, उनके बारे में जब सुना, देन मैंने जब रिसर्च की, बहुत सारे लोग और हैं, मुंबई के हेमंत भालेराव है, इंदौर के है राहुल जो सब्जी बेचते हैं, वो सब ये घटनाओं से घटना उनके साथ हो चुकी है, और ये अपनी लाइफ पूरी उन्होंने खड्डों के लिए समर्पित कर दी है, वो खड्डे भरते हैं कि किसी और के लिए ना हो, किसी और की बेटी ना खोए, किसी और का बेटा ना खोए, इसलिए वो खुद खड्डे भर रहे हैं। पलाश जी, मतलब फिल्म रिलीज होने वाली, लोगों तक पहुंचने वाली, तो आपकी क्या लगता है कि कितने मतलब लोग देखने के बाद में क्या मैसेज उनको ऐसा मिलेगा कि वो आगे मतलब ये सब चीज़ें ना हो? ये हमारा सब एक ही मैसेज है फिल्म को लेके कि हम लोगों ने ये जो सीरियस थिंग है, हम लोगों ने कोविड को बहुत सीरियसली लिया, जब हर दिन 10 लोग मर रहे थे, जब भी बहुत हम लोग सीरियसली ले रहे थे, और ये खड्डे बहुत ज़्यादा सीरियस है, जब तक हम लोगों के साथ नहीं होंगे हम लोगों को वो सीरियसनेस पता नहीं चलती है, लेकिन जब हम लोगों ने फिल्म बनाई तो हमें पता चला कितना कितना मेजर प्रॉब्लम है ये,
और आप सब यहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, भारत, पूरे भारत की एक समस्या है एट द मोमेंट। निर्माण बहुत हो रहा है, हाईवेज बहुत बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही है, लेकिन खड्डे भी ठीक हो जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर दिन इतने सारे लोगों का मरना ये बहुत सीरियस बात है। बड़ा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी शानदार फिल्म में सर ने इतना शानदार किरदार प्ले किया है, ये ओटीटी पे क्यों, बड़े स्क्रीन पे क्यों नहीं इसको आप ये बड़े स्क्रीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगा ये फिल्म ओटीटी के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और ये फिल्म हमने बिल्कुल पैसे कमाने के लिए नहीं की, हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे फर्स्ट डे वन से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सिनेमाघर आपको पता है कि लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अभी जाने के लिए, बट सिनेमाघर तो सिनेमाघर है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन Zee5 ने फिल्म ली और इतना ब्रेव कदम उठाए फिल्म को एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे लिए इजी नहीं था फिल्म रिलीज़ करना टू बी ऑनेस्ट, पर Zee5 ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे और एक एक, एक इसका ये सवाल का जवाब कि ये थिएटर के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे से फिल्म नहीं थी, क्योंकि किचन की फिल्म है, बच्चे बूढ़े नौजवान की फिल्म है, किचन किचन जाने, आज भी मालूम है कि छोटे छोटे गांवों में लोग शहर में सिनेमा देखने नहीं जा पाते हैं, सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को सिनेमा हॉल में गांवों में पहुंचने के लिए, और ये समस्या, गड्ढों की समस्या, शहर की समस्या, गाँव की समस्या, हर मोहल्ले की समस्या, हर गली नुक्कड़ की समस्या, क्यों कहीं भी कुछ वहाँ से दो फाफड़ा मारे और उधर मिट्टी डालनी, उधर से मिट्टी खोदनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गड्ढों की वजह से हम जितना गड्ढे बनाने में सब लोग अभी एनर्जी से आते हैं, लेकिन गड्ढे पाटने वक्त उतना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो पता लगता है कि ज़रा सा पानी तो फिर वो गड्ढा हो गया, पता नहीं लगता है। हज़ारों एक्सीडेंट, हज़ारों जाने बच सकती हैं अगर हमारा सफाई के साथ गड्ढा मुक्त देश हो जाए, और ये हम सबको, जनता जनार्दन सबको मिलके जो है गड्ढा भरने की ज़रूरत है। अभी मेरा एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, ये जानना चाहता हूँ 19 तारीख को ये रिलीज हो रही है, अभी एक दिन बाकी है, आप लोग अगर चाहते तो अभी अच्छा काम कर सकते हैं कि आप लोग सब मिलके, जो भी मेकर सब मिलके गड्ढा पाटे, तो एक तो अच्छा काम भी होगा और उसका प्रमोशन भी होगा। नहीं, गड्ढा हम लोग पाट ही रहे हैं, कल भी पाट रहे थे, आप चिंता मत करो, हम आप लोगों को भी कहते हैं कि आप भी सब साथ मिलके गड्ढे पाटो, क्योंकि आपका ये प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, इसमें सड़क चलते हुए सड़क नहीं पहचानती, या मैदान में खेलते हुए मैदान नहीं पहचानता कि बच्चा किसका है, किसी का भी बच्चा पैर आ जाएगा तो पैर टूटेगा। दूसरी चीज़, एक बिल्कुल एक लाइफ से ओत प्रोत घरेलू फिल्म है जिसका नाम है काम चालू है, एक आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, इमोशन देखने को मिलेगा, हम लोग चूँकि रियल से इंस्पिरेशन लेके, रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होके, लेकिन हम लोगों ने एक रील बनाने की कोशिश की है, अब इस रील में आपको शामिल करने की कोशिश की है कि हंसते तो जीवन भर रहेंगे, हंसाते एक दूसरे को जीवन भी रहें, लेकिन बीच बीच में कभी कभी थोड़े से आंसू या गम दिखाते हुए चलें, ताकि जीवन की पटरी जो है वो बैलेंस रहे। थैंक यू, लव यू ऑल। पाँच पाँच Hello. Bye. Running of our film, we really appreciate your presence. Thank you. मैं क्या कहना चाहेंगे, कल फिल्म रिलीज होने वाली है, आज स्क्रीन ले, प्लीज प्लीज, मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने अपना बाइट दे दिया आपकी। ओह हो, सो बहुत खुश है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत मेहनत से बनाई है, वी आर ट्राइंग टू गिव आउट अ वेरी नाइस मैसेज दैट विल चेंज लाइफ्स, वी ट्रस्ट एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस, सो वी होप यू ऑल एन्जॉय, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एन्जॉय किया एवरी मोमेंट ऑफ द मेकिंग एंड एवरी मोमेंट टुगेदर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, प्लीज़ फिल्म देखिए और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए।
इस फिल्म में अपने वाइफ का किरदार लिया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी? सो क्योंकि ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है तो मेरे लिए कनेक्ट कर पाना इस किरदार से बहुत ही आसान था। ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज बचपन से जो मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, जो मैं अपने आसपास के जो रिश्तों को देख रही हूँ, तो वो सबसे बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर ऑफ राधा पाटिल। आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे घर की कहानी है, ये वाइफ तो बिल्कुल मेरे वाइफ जैसी है। सो शी इज़ जस्ट लाइक अ रेगुलर वाइफ हु डज़ एवरीथिंग दैट शी नीड्स टू डू फॉर हर फैमिली, कीपिंग हर फैमिली फर्स्ट। बीइंग एन एक्टर मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म बहुत ही इरेलेवेंट है, चाहे वो OTT हो या थिएटर हो या फिर यू नो टेलीविजन हो। आई एम हैप्पी टू जस्ट बी एक्टिंग वेदर वट एवर द प्लेटफॉर्म इज। वेल मैं बहू थी क्योंकि मैं पहले किसी की वाइफ थी, वाइफ पहले बनी उसके बाद बहू बनी। सो यस आई हैव बीन देयर डन दैट, बट दिस टाइम द रोल एंड द कैरेक्टर इज़ डिफरेंट, द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, द मेच्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर इज़ डिफरेंट, फ्रॉम वेयर शी कम्स हर बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट एंड हर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड वॉट हैपन्स टू हर फैमिली इज़ डिफरेंट। मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है जिस पे हमने ये फिल्म बनाई है, और एक बहुत प्यारा मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लिमिटेड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इट इज़ लिमिटलेस, एंड वी शुड ऑल टुगेदर एक्सपैंड आर सेल्व्स एंड स्ट्रेच आर सेल्व्स टू सी वॉट वी कैन डू बियॉन्ड आर कम्फर्ट जोन, नॉट नेसेसरीली फॉर आर सेल्फ फॉर आर फैमिली, बट गोइंग लिटिल बियॉन्ड दैट, एंड वेन वी डू दैट लिटिल मोर वील सी a nation that is better for us and even for the upcoming generation. Thank you. मैं कुछ भी कहूँगी तो बायस साउंड करेगा बिकॉज मेरे भाई की फिल्म है, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल मेरे भाई की फिल्म है इस लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सोशल मैसेज है। आमतौर पे हम जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लैबर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ग्रजेस दिखाने लगते हैं, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आई एम श्योर जब आप देखेंगे आप रिलेट करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि कंप्लेन करने के बजाय आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ऐसा करने से आप सिर्फ खुद की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि पलाश ने इतनी खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब Z5 पर इस फिल्म को जाकर देखें। मुझे बहुत खुशी है कि राजपाल सर और पलाश का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। राजपाल सर तो एक लेजेंडरी एक्टर हैं, और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं स्क्रीन को लिट अप कर देते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि पलाश को उनका इतना ज़्यादा आशीर्वाद है। मैंने इस फिल्म में सिर्फ गाया ही नहीं है बल्कि लिखा भी है, एंड या आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म। ओके थैंक यू सर। एक विजुअल
आपको भी आप तो पीछे पीछे और ला रहे ना हमको दे दो ये बात काम चालू है। थैंक यू वन ऑफ द मैनी फैंस दैट राजपाल भाई हैज़ और बहुत अच्छे मित्र बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे और जब वो बुलाते हैं स्पेशली पर्सनली इन्वाइट देते हैं तो आना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज मैं उनकी सारी फिल्में सारी वेब सीरीज आई ऑलवेज वॉच इट बिकॉज दैट मैन हैज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम आई मीन यू नो ही इज़ अ परफॉर्मर वो फिल्म वो एक किरदार निभाते हैं एंड फॉर एन एक्टर इट्स अ ग्रेट लर्निंग टू वॉच हिम अभी भी अलग है लुक एट दिस आई नेवर एक्सपेक्ट हे डलनास हाउ यू डूइंग तो इसमें भी बहुत ही अलग लग रहे हैं सो आई एम श्योर इट विल बी अ ट्रीट फॉर ऑल राजपाल यादव फैंस सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप इट गेट्स ऑल द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन I know, I wish him all the best, really. Pala, he's writing and directing it. And I think ये दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल है. So, keeping fingers crossed for both of them. देखो, राजपाल यादव की कोई भी फिल्म है, छोड़ना मत. I'm sure you all know it, मैं क्या बता रहा हूँ. Everybody loves राजपाल भाई. Thank you so much. I wish them all the best. Firstly, तो बहुत सारी मुबारकबाद है बहुत सारे विशेज बहुत सारे राजपाल इज़ अ डियर फ्रेंड बहुत अच्छे खूबसूरत आर्टिस्ट उनकी फिल्म है आई एम श्योर बहुत मज़ेदार होगी कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है सो आई विश देम ऑल द बेस्ट पूरी टीम को ऑल द बेस्ट क्या
यस बॉस, यस बॉस की सुपरस्टार बलनाज, जिन पे हमें नाज। ये तो जरूर से चाहते हैं। ये फिल्म आई है अंग्रेज लगती है, आया ईरानी लेकिन अंग्रेज लगती है, नहीं मतलब कहीं ना कहीं आप विदेशी ही लगती है। हाँ जी, सी यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए भैया, पहली बात तो ये है कि एक्टर ग्रेट राजपाल जी हो या देश के राज्यपाल, दोनों का ही भक्त है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल, और इसी तरह से इन दोनों के आशीर्वाद से सुनील पाल का काम चालू है और चालू ही रहना चाहिए। मगर काम चालू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं, है ना। तो ये राजपाल साहब की जो फिल्म आ रही है, काम चालू है। इससे पहले भी इसी कंपनी की एक फिल्म आई थी, इसी टीम की, पलाश मुंजाल की अर्ध, बहुत अच्छी फिल्म थी, कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले। इस फिल्म को भी मिलेगा क्योंकि ये सीधा सटायर करती है कॉमेडी के साथ एक सोसाइटी को, सिस्टम को। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खूब आगे बढ़ाना चाहिए। इस फिल्म को सबसे पहले मैं देखूँगा क्योंकि मेरे घर पर 5G भी है और Zee5 भी है। बहुत बढ़िया, ये सोच ही अपने आप में कमाल है। देखिए क्या है, आज वो समय आ गया है क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा प्रोडक्शन बना रखा है, जो मेरी फिल्म गाली गलौज भी आई है, अभी आ रही है कॉफ़ी विद अलोन, थॉट ओरिएंटेड फिल्म बन रही है जिसमें पब्लिक एक बार जाए और एक कैरेक्टर के साथ उसके प्यार में, उसकी कहानी में समा जाए, उसके साथ उसकी जर्नी शुरू हो जाए। तो ऐसी फिल्में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, खासकर OTT लाइक Zee5 ऐसी फिल्मों को बहुत प्रमोट कर रही है। हमारी फिल्मों को भी Zee5 ने प्रमोट किया था। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है कि बेकार की वल्गैरिटी, बेकार की गाली गलौज, बेकार की न्यूडिटी को सपोर्ट करने के बजाय पलाश मुंजाल की फिल्म हमारी काम चालू है। ऐसी फिल्में, बहुत सारी फिल्में बनने का भी काम चालू है, मेरी भी बहुत सारी फिल्में आने वाली है। तो राजपाल, सुनील पाल, अर्जुन रामपाल, हे पालन हारे हम सबको पाल, लव यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू बाद में कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि फिल्म के बारे में कुछ बोल देंगे फिर डेफिनेटली। हाँ अभी सोलो करना, ये काम चालू, फिल्म का रिलीज हो रही है, पलाश मुंजाल राजपाल सर के, नहीं नहीं ये फिल्म, मैं यही कहना चाहूँगा जो फिल्म का जो टाइटल है ये हर एक्टर पे लागू होता है कि भाई काम चालू रहना चाहिए तो एक्टर जिंदा रहता है, एंड डेफिनेटली अच्छी होगी। इन्होंने पहले भी एक फिल्म बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, एंड राजपाल तो है ही कमाल के एक्टर, तो मेरी बेस्ट विशेज इनके लिए हैं एंड मेरा भी काम चालू ही है। काम चालू तो पहले था, अब तो उन्होंने काम जो था वो सबके सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैंने प्रोमोस देखे हैं, राजपाल जी की परफॉर्मेंस के लिए जितना कहा जाए उतना कम है हमेशा ही, बट इसमें जो इमोशंस हैं जो प्रोमो में उनकी कुछ कुछ छोटे छोटे जो सीन्स के पार्ट्स दिखाए हैं वो देख कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू टेक हिज परफॉर्मेंस नॉट जस्ट वन नॉच हायर बट मेनी नॉचेज हायर इन दिस फिल्म, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट। लोगों को हंसाया है,
आई थिंक एज एन एक्टर ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इतने वर्सेटाइल होते हैं एंड राजपाल जी को सभी किंग ऑफ कॉमेडी की तरह जानते हैं, लेकिन उनका ये साइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अब निखर के बाहर आ रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी अपूर्वा, उसमें उन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया था। ये टोटली इमोशनल है, सो आई एम सो ग्लैड दैट नाउ ही इज़ डूइंग दीज काइंड ऑफ फिल्म जहाँ वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं ये भी पता चलता है, कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो पता है ही। यू कैन सी द फिल्म इज़ मेड विद सो मच लव एंड हार्ड वर्क एंड अभी तो मैं फिल्म देखने के बाद आई एम नॉट श्योर अगर मैं रोए बगैर बाहर निकलूँगी तो, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं फिल्म देखते हुए रोने लगती हूँ एंड ये फिल्म तो वैसे भी पेरेंट चाइल्ड इमोशन पे है, तो आई एम गोइंग टू फील अ लॉट, बट या जस्ट बाई सींग द प्रोमोज आई कैन वाउच दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल फिल्म टू वॉच एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। मैम काम चालू है, फिल्म कल रिलीज होने जा रही है Z5 पर, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक काम चालू है, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी ऑन अ ट्रू स्टोरी। आई वॉच्ड इट, आई वॉज टच, तो काफ़ी अच्छी मूवी है और आई थिंक राजपाल सर, जिया और पलाश ने बहुत अच्छा काम करा है, सो आई वुड जस्ट से कि गो आउट एंड वॉच इट, इट्स कमिंग टुमारो ऑन Z5। या पलाश सर की राज सर के साथ ये सेकेंड मूवी, इससे पहले उन्होंने अर्थ की थी, वो भी काफ़ी लोगों को अच्छी फिल्म लगी और दूसरी फिल्म ये बनाई है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, आई थिंक अर्थ भी काफ़ी यू नो क्लोज टू रियलिटी मूवी थी एंड ये भी, एंड आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। बस आई थिंक ये मूवी देख के बहुत हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, सो आई एम श्योर कि सारे लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगी। आई थिंक कल आ रही है Z5 पे, काम चालू है, सो प्लीज़ गो आउट एंड वॉच एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। Thank you.